एज यूजुअल आई एम मोहम्मद रईस फ्रॉम टैगोर स्कूल परबत सर। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी क्लास फोर्थ चैप्टर नंबर सेकेंड काबुली वाला। इन आवर प्रीवियस वीडियो वी हैव कम्प्लीटेड द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द रेस्ट ऑफ द चैप्टर इन आवर टुडेज वीडियो। इन आवर प्रीवियस वीडियो वी हैव स्टडीड दिस चैप्टर अप टू हियर एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द रेस्ट ऑफ द चैप्टर। काबुलीवाला वॉज नाउ ए डेली विजिटर टू आवर हाउस। काबुलीवाला मीन्स काबुलीवाला, वॉज मीन्स था, नाउ मीन्स अब। ए डेली विजिटर, डेली मीन्स ए मीन्स एक, डेली मीन्स रोजाना का, विजिटर मीन्स होता है आगंतुक, टू आवर हाउस हमारे घर पर। यानी काबुलीवाला था वो अब हमारे घर पर रोजाना आने वाला एक आगंतुक था। यानी जो काबुली वाला था अब वो रोजाना उनके घर पर आने लगा है। यानी जब मिनी के साथ में उसकी फ्रेंडशिप हो जाती है तो उसके बाद में जो काबुली वाला होता है वो रोजाना उनके घर पर आना शुरू हो जाता है। मिनी लॉस्ट हर फियर एंड द जेंटलमैन बिकेम हर गुड फ्रेंड। तो मिनी यानी मिनी ने लॉस्ट मीन्स खो दिया यानी गायब हो गया, हर फियर मीन्स उसका भय या डर। यानी जो मिनी का भय था उससे जो डर लगता था उसको वो उसका गायब हो गया। एंड और द जेंटलमैन, द जेंटलमैन मीन्स होता है सज्जन, बिकेम यानी बन गया, हर मीन्स उसका गुड फ्रेंड मीन्स अच्छा मित्र। यानी मिनी ने अपना जो डर था जो भय था वो खो दिया, यानी उसका जो डर था वो गायब हो गया और जो जेंटलमैन था यानी जो काबुली वाला जो पठान था वो उसके साथ में वो अच्छी मित्र बन गया, यानी उसका अच्छा दोस्त बन गया। They would share stories and jokes that became their amusement. That means वे would share means बांटते थे, stories means कहानियों को, and jokes और चुटकुलों को, that became, that means जो कि became यानी बन गए, their means उनके, amusement means मनोरंजन। यानी मिनी और जो काबुली वाला था वे दोनों आपस में क्या करते थे, वे कहानियों को चुटकुलों को आपस में बांटते थे यानी शेयर करते थे, एक दूसरे के साथ शेयर करते थे और वही उनके लिए मनोरंजन बन गया था। यानी मनोरंजन उनके लिए वो चुटकुले और कहानियाँ उनके लिए मनोरंजन बन गया था। ईयर्स पास, ईयर्स वेंट बाई एंड मिनी ग्रू अप इनटू अ ब्यूटीफुल यंग वुमैन। ईयर्स मीन्स वर्षों, वेंट बाई यानी वर्षों बीत गए यानी कई वर्ष हो गए, एंड और मिनी मीन्स मिनी ग्रू अप यानी बड़ी हो गई, इंटू ए ब्यूटीफुल यंग वूमैन, इंटू मीन्स मैं, ए ब्यूटीफुल यानी एक सुंदर, यंग वूमैन यानी एक नौजवान युवती के रूप में, यानी एक नौजवान औरत के रूप में जो मिनी थी वो बड़ी हो गई। पहले मिनी क्या थी, छोटी लड़की थी, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरे तो जो मिनी थी वो एक औरत हो गई यानी एक बड़ी हो गई, यानी मिनी थी वो एक बड़ी होकर एक सुंदर यंग वूमैन बन गई। मिनी वॉज लुकिंग वेरी प्रिटी दैट डे। मिनी मीन्स मिनी, वॉज लुकिंग यानी दिख रही थी, वेरी मीन्स बहुत, प्रिटी मीन्स सुंदर, दैट डे, दैट डे मीन्स उस दिन, यानी मिनी उस दिन बहुत ही सुंदर दिख रही थी। इट वॉज द डे ऑफ हर मैरिज। इट मीन्स यह है, वॉज मीन्स था, द डे मीन्स दिन, ऑफ हर यानी उसकी, मैरिज मीन्स शादी का, और यह उसकी शादी का दिन था। यानी जब शादियाँ होती है तो जो ब्राइड है या ब्राइड ग्रूम है, दूल्हा या दुल्हन होते हैं, वो सजते संवरते हैं तो एकदम सुंदर दिखाई देते हैं। तो उस दिन पीटी जो मिनी थी वो भी बहुत सुंदर दिख रही थी क्योंकि वह उस दिन उसकी शादी होने जा रही थी, यानी वह दिन उसकी शादी का दिन था। द हाउस वॉज डेकोरेटेड विद ऑल द अरेंजमेंट्स। द हाउस मीन्स घर, वॉज डेकोरेटेड यानी सजा हुआ था, विद ऑल द अरेंजमेंट यानी सभी व्यवस्थाओं से जो घर था वो सजा हुआ था। जो जब शादी होती है तो ऑलरेडी जो अपने होम होते हैं उसको अपन डेकोरेट करते हैं, लाइटिंग वगैरह सब करते हैं, उसी प्रकार से मिनी का जो घर था वो भी डेकोरेटेड था, पूरे अरेंजमेंटों के साथ में सजा हुआ उसका घर था। सडनली ए मैन केम एंड सैल्यूटेड रेस्पेक्टफुली। सडनली मीन्स अचानक, ए मैन ये मीन्स एक आदमी, केम मीन्स आया, एंड और सैल्यूटेड यानी सलाम किया यानी अभिवादन किया, प्रणाम किया, मी मीन्स मुझे, रेस्पेक्टफुली यानी सम्मान के साथ। तो जो राइटर है जो रविंद्रनाथ टैगोर, वो कहते हैं कि जो मिनी के पिता है वो
तो सडनली यानी वो कहते हैं कि सडनली मीन्स अचानक, ए मैन मीन्स एक आदमी, कैम मीन्स आया, एंड सैल्यूटेड मी और मुझे सलाम किया यानी मेरे को प्रणाम किया, रेस्पेक्टफुली यानी सम्मान के साथ, यानी अचानक एक आदमी आया और उसने मुझे सम्मान के साथ में मेरा अभिवादन किया यानी मेरे को सलाम किया या मेरे को प्रणाम किया। एट फर्स्ट आई डिडंट रिकग्नाइज हिम बट सून ही टोल्ड मी दैट ही वॉज मिनीज फ्रेंड काबुलीवाला। आई मीन्स मैं डिडंट रिकग्नाइज यानी नहीं पहचाना, यानी मैंने उसे नहीं पहचाना एट फर्स्ट यानी पहले के पहले मैंने उसे नहीं पहचाना, बट लेकिन सून यानी शीघ्र ही टोल्ड मी ही यानी उसने टोल्ड यानी बताया मी मीन्स मुझे दैट की ही मीन्स वह वॉज मिस था मिनीज यानी मिनी का फ्रेंड मीन्स मित्र काबुली वाला। तो पहले तो मैं उसको नहीं पहचान पाया यानी पहले तो मैंने उसे नहीं पहचाना, लेकिन उसने मुझे बाद में उसने मुझे बताया कि मैं मिनी का मित्र काबुली वाला हूँ। यानी उस आदमी ने पहले तो उसके पिता मिनी के उसको नहीं पहचान पाए, तो उसने उसको उन्होंने उनको बताया कि वह मिनी का मित्र काबुली वाला है। तो उसने फिर पूछा कि वेयर इज मिनी सर, ही आस्क्ड कि वेयर मीन्स कहाँ, इज मीन्स है मिनी, कि मिनी कहाँ है, सर मीन्स श्रीमान, ही मीन्स उसने, आस्क्ड मीन्स पूछा। तो उस काबुली वाले ने पूछा कि मिनी कहाँ है श्रीमान। तो देयर इज ए सेरेमनी इन द हाउस कि देयर इज मीन्स है, ए मीन्स एक सेरेमनी, सेरेमनी मीन्स समारोह, इन द हाउस यानी घर में, कि घर में एक समारोह है। यू विल नॉट बी एबल टू सी एनी वन टूडे कि यू मीन्स तुम, विल नॉट बी एबल कि तुम समर्थ नहीं होगे टू सी यानी मिलने के लिए एनी वन यानी किसी भी व्यक्ति से, टूडे मीन्स आज, कि तुम या आप किसी भी आज किसी भी व्यक्ति से मिलने में समर्थ नहीं होंगे कि शादी समारोह का टाइम है यानी शादी का दिन है, तो आप किसी भी व्यक्ति से नहीं मिल पाएंगे यानी उससे नहीं मिल पाएंगे मिनी से। आई टोल्ड हिम, आई मीन्स मैंने, टोल्ड मीन्स बताया, हिम यानी उसको, तो मिनी के फादर ने काबुली वाले को बताया कि आज घर में समारोह है और तुम किसी से भी आज मिलने में समर्थ नहीं हो पाओगे यानी तुम किसी से भी नहीं मिल पाओगे। तो वो कहता है कि प्लीज़ सर लेट मी सी हर वंस एज आई एम गोइंग टू माई होम टाउन फॉर एवर कि प्लीज़ कृपया सर मीन्स श्रीमान लेट मी सी यानी मुझे मिलने दो, हर मीन्स उससे, वंस मीन्स एक बार, कि श्रीमान कि कृपया श्रीमान आप मुझे उससे एक बार मिलने दीजिए, एज जैसा कि आई एम गोइंग मैं जा रहा हूँ टू माई होम टाउन यानी मेरे गृह नगर यानी मेरे गृह नगर, फॉर एवर मीन्स हमेशा के लिए। तो उसने बताया काबुले वाले कि कृपया श्रीमान आप मुझे उससे एक बार मिलने दीजिए जैसा कि मैं हमेशा के लिए अपने गृह नगर में जा रहा हूँ यानी मैं हमेशा के लिए अपने निवास स्थान अब जहाँ पर मेरा जो स्थायी घर है डेस्टिनेशन है वहाँ पर जा रहा हूँ। आई विल नेवर कम बैक सर, आई मीन्स मैं, विल नेवर मीन्स कभी भी नहीं, कम मीन्स आऊँगा, बैक मीन्स वापिस, सर मीन्स श्रीमान कि श्रीमान मैं कभी भी वापिस नहीं आऊँगा। टीयर्स केम इनटू माय आईज एज ही सैड गिव दीज रेजिन्स एंड आमंड्स टू माय लिटिल डॉग। टीयर्स मीन्स आंसू, केम मीन्स आ गए, इनटू माय आईज मेरी आंखों में, और मेरी आंखों में आंसू आ गए एज जैसे ही सैड उसने कहा कि गिव दीज, गिव मीन्स दे देना, दीज मीन्स ये, रेजिन्स मीन्स किशमिश एंड आमंड्स और बादाम टू माई लिटिल डॉल, टू माई मीन्स मेरी लिटिल डॉल यानी छोटी गुड़िया को। तो जब उसने कहा कि ये किशमिश और ये बादाम मेरी छोटी गुड़िया को दे देना, तो मेरी आंखों में आंसू आ गए यानी जो उसके पिता होते हैं मिनी के, वो कहते हैं कि जैसे ही उस काबुली वाले ने कहा कि ये किशमिश और बादाम मेरी छोटी गुड़िया को दे देना, तो उसके उसकी जो आंखें होती उसमें आंसू आ जाते हैं। आई कॉल्ड मिनी एंड ही वॉज सरप्राइज टू सी दैट हिज लिटिल डॉल वॉज ए ब्यूटिफुल ब्राइड दैट डे। तो आई मीन्स मैंने, कॉल्ड मीन्स बुलाया, मिनी मीन्स मिनी को, एंड और ही वॉज सरप्राइज वो आश्चर्यचकित थी टू सी यानी मिलकर या देखकर दैट की हिज लिटिल डॉल यानी उसकी छोटी गुड़िया वॉज ए ब्यूटिफुल ब्राइड यानी एक सुंदर, ब्राइड मीन्स होता है दुल्हन, दुल्हन बन गई दैट डे यानी उस दिन। तो जब उसने यानी मिनी के पिता ने मिनी को बुलाया, तो
तो जो काबुले वाला था वो उसको देखकर आश्चर्यचकित हो गया कि जो छोटी सी गुड़िया थी वो अब एक सुंदर, उस दिन एक सुंदर दुल्हन थी। यानी जब काबुले वाले के सामने वो तो एक छोटी सी बच्ची थी, लेकिन लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरे वो बड़ी होती गई। एक दिन शादी का दिन आ गया और इतने दिनों के बाद में जब उसने उसको देखा तो वो उसको बहुत ही सुंदर लगी। हिज आइज टर्न ब्रॉड थिंकिंग अबाउट हिज ओन डॉटर हु मस्ट हैव ऑल्सो ग्रॉन लाइक अ मिनी। हिज आइज मीन्स उसकी आँखें, टर्न ब्रॉड यानी उसकी जो आँखें थी वो उदार हो गई। अबाउट हिज ओन डॉटर यानी अपनी खुद की, हिज मीन्स खुद की, हिज ओन यानी अपनी खुद की डॉटर यानी लड़की के बारे में सोचते हुए उसकी जो उस वो उदार हो गया। एंड हु मस्ट हैव ऑल्सो ग्रॉन लाइक अप लाइक मिनी। हु मीन्स जो कि मस्ट हैव ऑल्सो ग्रॉन, जो भी बड़ी हो गई होगी, हो चुकी होगी, लाइक मिनी यानी मिनी की तरह। तो उसकी जो आँखें यानी उसकी जो आँखें थी वो टर्न यानी उदार हो गई, और ये सोचकर उदार हो गई कि उसकी खुद की लड़की है वो भी मिनी की तरह बड़ी हो गई होगी। आई गेव हिम सम मनी सेइंग गिव दिस टू योर लिटिल वन एज सी इज ऑल्सो लाइक माई मिनी। तो आई मीन्स मैंने गेव मीन्स दिया, हिम मीन्स उसको, सम मनी यानी कुछ धन यानी कुछ पैसे मैंने उसको दिए। सेइंग मीन्स कहते हुए कि मैंने उसको ये कहते हुए कुछ पैसे दिए कि गिव मीन्स देना, दिस मीन्स यह टू योर लिटिल वन यानी तुम्हारी छोटी बच्ची को। एज सी इज ऑल्सो, सी मीन्स वह, इज मीन्स है, ऑल्सो मीन्स भी, लाइक यानी की तरह, माई मिनी यानी मेरे मिनी की तरह। तो मैंने उसको ये कहते हुए कुछ पैसे दिए कि ये उस छोटी बच्ची को दे देना जो कि मेरी मिनी की तरह हैं। काबुले वाला गेव लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग टू मिनी एंड लेफ्ट फॉर हिज जर्नी टू हिज होम टाउन। काबुले वाला यानी काबुले वाले ने गेव यानी दिए लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स यानी ढेर सारे आशीर्वाद, यानी ढेर सारा आशीर्वाद दिया टू मिनी यानी मिनी को, यानी काबुले वाले ने मिनी को ढेर सारा आशीर्वाद दिया। एंड लेफ्ट फॉर हिज जर्नी और अपनी यात्रा के लिए चला गया टू हिज होम टाउन अपने गृह नगर की। यानी काबुले वाले ने मिनी को ढेर सारा आशीर्वाद दिया और अपने गृह नगर की यात्रा के लिए चला गया। द चैप्टर इज ओवर नाउ। नाउ वी विल सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर। अब इस पार्ट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट है जैसे कंप्रेहेंशंस का है कि जैसे फर्स्ट टिक द करेक्ट आंसर, सही विकल्प पे टिक मार्क करना आपको, यानी कौन सा विकल्प, फोर ऑल्टरनेट, थ्री ऑल्टरनेटिव्स दिए हुए, तीन विकल्प दिए हुए हैं, तो जो भी विकल्प सही है उसके सामने जो बॉक्सेज है उसमें टिक मार्क करना आपको। कि जैसे फर्स्ट है हाउ ओल्ड वॉज मिनी, हाउ ओल्ड यानी कितनी उम्र की थी, हाउ ओल्ड यानी कितनी उम्र की, वॉज मिस थी, मिनी मिस मिनी, कि मिनी कितनी आयु की थी यानी मिनी की क्या उम्र थी, मिनी कितनी साल की थी, एट ईयर्स आठ साल की, सेवन ईयर्स सात साल की, फाइव ईयर्स पाँच साल की। तो मिनी कितनी वर्ष की थी, तो मिनी वॉज फाइव ईयर्स ओल्ड, पाँच वर्ष की थी। तो राइट ऑप्शन है सी, तो सी वाले बॉक्स के सामने टिक मार्क करना है। नेक्स्ट है व्हाट वॉज द नेम ऑफ दियर सर्वेंट। व्हाट मीन्स क्या, वॉज मीन्स था, द नेम मीन्स नाम ऑफ दियर सर्वेंट यानी उसके नौकर का, यानी उनके नौकर का क्या नाम था। तो मिनी के जो नौकर था घर पे उसका क्या नाम था, रामू, रमेश या ज्ञानू, तो उसका नाम था रमेश। तो आपको बी राइट ऑप्शन है बी, तो बी वाला जो सामने बॉक्स बना उस पर राइट मार्क करना है। थर्ड है हुम डिड द काबुली वाला वॉन्ट टू मीट। हुम मीन्स किससे, डिड द काबुली वाला मीन्स काबुली वाला, वॉन्ट मीन्स चाहता था, टू मीट यानी मिलना, यानी काबुली वाला किससे मिलना चाहता था। तो किससे मिलना चाहता था, ज्ञानू, मिनी या रमेश, तो काबुली वाला मिनी से मिलना चाहता। तो राइट ऑप्शन है बी। तो इट इज एनफ फॉर टूडे। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल सॉल्व द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।